ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन दिया। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि अगर दिस इज अ ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क, यह सिल्क है, यह ग्लास रॉड है। अब अगर मैं इस ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब करता हूं तो दिस ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कैसे एक्यूमुलेट होंगे? क्योंकि जितना पोर्शन इस ग्लास रॉड का मैं सिल्क पे रब करूंगा उतने पोर्शन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। सो सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इस ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। सो उससे क्या होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज इसने अटेंड किया है उतना ही निगेटिव चार्ज इस सिल्क के ऊपर भी आ जाएगा। दिस गेट निगेटिवली चार्ज एंड दिस गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर मैं इस तरह की दो ग्लास रॉड्स को एक दूसरे के पास लेके आऊं कुछ इस तरह से, इफ दिस इज अ ग्लास रॉड एंड दिस इज अनदर ग्लास रॉड, दोनों ग्लास रॉड्स को मैंने सिल्क पे रब किया तो दोनों में ही क्या प्रॉपर्टी है? दोनों में यह प्रॉपर्टी है कि वह अपने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क को दे देंगे। तो इसीलिए इस ग्लास रॉड ने भी सिल्क को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस ग्लास रॉड ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड्स एक दूसरे के पास आई तो उससे इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट हुआ। इस तरह से दोनों ग्लास रॉड्स के बीच में रिपल्शन क्रिएट हुआ। और सेम फिनोमिना अगर मैं प्लास्टिक रॉड के लिए ऑब्जर्व करूं तो प्लास्टिक रॉड में क्या होगा? प्लास्टिक रॉड को जब आप फर से रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड विल गेट निगेटिवली चार्ज एंड फर विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। तब अगर मैं दो प्लास्टिक रॉड्स को इस तरह की दो प्लास्टिक रॉड्स लूं तो इन दोनों पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज। इन दोनों पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और निगेटिव चार्ज वाली दो प्लास्टिक रॉड जब पास पास आएंगी तो दे विल रिपेल ईच अदर। सो यहां पे हमें दिखाई देगा कि दिस एंड दिस रॉड्स आर गेटिंग रिपेल्ड। सो यहां पे भी रिपल्शन क्रिएट होगा। दिस इज द प्लास्टिक रॉड एंड दिस इज ग्लास रॉड। लेकिन अगर इसी की जगह मैं एक ग्लास रॉड ले लूं और एक प्लास्टिक रॉड ले लूं, सो इसके ऊपर होंगे पॉजिटिव चार्जेस, इसके ऊपर होंगे नेगेटिव चार्जेस। नाउ व्हेन दीज टू रॉड्स, वन ग्लास रॉड एंड वन प्लास्टिक रॉड आर ब्रॉट टूवर्ड्स ईच अदर, यहां पे दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देख लिया कि इस तरह का फिनोमेना दिखाई दे रहा है। सो उन्होंने इसके बेसिस पे कंक्लूजन दिया कि जो दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इनमें एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। दैट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं
और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जैसे होता है ना, दो भाई हैं, दोनों भाई की आदतें बिल्कुल सेम है, तो मे बी पॉसिबल दोनों में झगड़ा होने की संभावना ज्यादा है। दोनों पर्सन सेम है तो उस केस में झगड़ा होने की संभावना ज्यादा है। इट मीन्स लाइक जो होते हैं वो रिपेल होते हैं, दो एक जैसी चीजें आसपास नहीं आ सकती। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह का कंक्लूजन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दे दिया। नाउ, अब ये तो कह दिया कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास, कि यह मास की सॉरी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जिस तरह से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो मास के बारे में बहुत सारे कंक्लूजन्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें मालूम है। जैसे कि मास को नापने के लिए ग्राम्स यूनिट होती है, मास की वजह से इनर्शिया क्रिएट होता है, एक मास होने की वजह से जो वॉल्यूम है, जो डेंसिटी है, वो क्रिएट होती है मैटर में। इस तरह की प्रॉपर्टीज न्यूटन ने अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में, अपनी लॉज ऑफ मोशन में, इस तरह की प्रॉपर्टीज को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रूव किया है। एंड दीज प्रॉपर्टीज वर लॉन्ग बैक, जब चार्ज डिस्कवर हुआ, चार्ज डिस्कवर होने के बहुत पहले से यह प्रॉपर्टीज प्रूव हो चुकी थी। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग मास ही एकलौती फंडामेंटल यूनिट है मैटर की। लेकिन अब तो एक नई चीज सामने आई कि चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि इस चार्ज को, इस चार्ज क्वांटिटी को हम प्रॉपरली डिफाइन करें, प्रॉपरली समझें कि ये चार्ज है क्या, ये चार्ज बिहेव किस तरह से करता है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सो वी विल कंपेयर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज, टू चार्ज एंड मास। सो हेयर आई विल राइट मास एंड हेयर आई विल राइट चार्ज। वी विल कंपेयर बोथ ऑफ दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। हम इन दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को कंपेयर करेंगे, समझेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स यूनिट इज ग्राम्स। हम मास के बारे में क्या जानते हैं? हम मास के बारे में यह जानते हैं कि मास ग्राम्स में नापा जाता है। मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वह है ग्राम। इसी तरह से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को मेजर करने के लिए क्या यूनिट होगी? सो वी विल से इट्स यूनिट इज कूलम। जिस तरह से मास को नापने के लिए ग्राम यूनिट आपके पास है, उसी तरह से चार्ज को नापने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, दैट इज कूलम। ग्राम को आप किस तरह से लिखते हैं? ग्राम को आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, जी एम लिख के, स्मॉल में जी एम। और अगर हम कूलम की बात करें तो कूलम को सिंपली एक सी से लिखा जाता है, कैपिटल सी रिप्रेजेंट्स कूलम। नाउ मास के बारे में हमने यूनिट तो पता कर ली। देखिए, क्योंकि मास या चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, इस यूनिवर्स में क्या है, स्पेस है या फिर मैटर है, तो मैटर की अगर वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो उसका मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें एक यूनिट बनाना जरूरी है। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूनिट बनाई कूलम, उनके नाम पे ही बना दी, कूलम ही उनका नाम था। सो ऑन देयर नेम उन्होंने ये यूनिट दे दी कि चार्ज को कूलम में नापा जाएगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी इज मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मास क्या होगा? मास हमेशा कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब मास कैन नेवर be created nor destroyed। मास कभी भी बनता नहीं है और ना ही कभी खत्म हो सकता है। अब एक बेसिक सा सवाल मन में उठता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरा वेट इस समय 110 kg है, तो अगर मेरा वेट 110 kg है और मैं बहुत सारा खाना खाऊं, खूब सारा खाना खाते जाऊं,
और पता चले मेरा वेट हो गया 190 kg, तो आप कहोगे कि 110 से 190 तक जाते जाते आपने 80 kg का मास एक्वायर कर लिया, आपका वजन आपका मास 80 kg से बढ़ गया, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि मास इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो देखिए जो मास मेरे पास आया, जो 80 kg मास आया, वह 80 kg मास कहाँ से आया? क्या मेरी बॉडी में अंदर अपने आप बन गया, ऐसा क्रिएट हो गया क्या, क्या कोई फैक्ट्री लगी है? हम कहेंगे नहीं, यह मास मुझे मेरे खाने से मिला, जो खाना मैंने खाया, जो फूड मैंने इंटेक किया, उससे मुझे यह मास मिला। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास अगर 80 kg मास बढ़ रहा है तो किसी दूसरी चीज का 80 kg मास कम हो रहा हो, इसी वजह से मेरे पास मास एक्वायर हुआ है। अब अगर मैं 110 से खूब जॉगिंग करूं, खूब दौड़ूं, खूब एक्सरसाइज करूं और मेरे वेट को रिड्यूस करके कर दूं 60 kg, तो आप कहोगे आपने 50 kg का वेट लूज करा। 50 kg का वेट लूज करा मतलब 50 kg आपकी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मास तो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है, फिर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? तो हम कहेंगे हाँ, वह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वह स्वेट के फॉर्म में निकल गया है। जब मैंने जॉगिंग करी, एक्सरसाइज करी, तो मुझे स्वेटिंग हुई, उस स्वेटिंग के फॉर्म में, उस स्वेट के फॉर्म में वह मास निकल गया। तो इसका मतलब मास ना तो बना और ना ही खत्म हुआ, मास सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता गया। तो सेम फिनोमिना चार्ज के साथ भी होता है। द फिनोमिना इज दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज के साथ क्या फिनोमिना है? बिल्कुल सेम, दैट इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं और ना ही आप चार्ज को खत्म कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार्ज को आप खत्म कर दे। ओके, सो मास कंजर्व होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज मास इज एडिटिव। मास इज एडिटिव का मतलब मास को ऐड किया जा सकता है, आप मास को जोड़ सकते हो। जैसे एक 1 kg का वेट लूं और एक 1 kg का वेट लूं और 1 kg 1 kg को जोड़ दूं, सो यू विल गेट 1 + 1 = 2 kg। तो अगर मैंने 1 kg को 1 kg में जोड़ा, सो दिस विल गिव यू 2 kg। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मास, कि मास को आप जोड़ सकते हो। इसी तरह से चार्ज इज ऑल्सो एडिटिव। चार्ज भी क्या होता है? एडिटिव होता है। एडिटिव होता है मतलब 1 coulomb चार्ज प्लस 1 coulomb चार्ज विल गिव यू 2 coulomb चार्ज। अगर मैं 1 coulomb का चार्ज लूं और 1 coulomb का चार्ज लूं, दोनों को जोड़ दूं, तो मुझे मिलेगा 2 coulombs ऑफ चार्ज। अभी 1 coulomb का चार्ज मतलब क्या, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे कि 1 coulomb चार्ज मतलब क्या होता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मास इज ऑफ ओनली वन टाइप। मास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का होता है, मास कोई और तरह का नहीं होता। लेकिन चार्ज चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने चार प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया, फर्दर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। दिस इज मास एंड दिस इज चार्ज। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन ने मास के बारे में एक बहुत अच्छी चीज प्रूव करी थी, एक बहुत ही अच्छा लॉ दिया था जिसे हम जानते हैं एज
न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा था कि दो मास, दो बॉडीज, दो मैटर हमेशा यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो मास होते हैं कुछ इस तरह से, एक M1 मास है, एक M2 मास है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। कैसा अट्रैक्शन? M2 मास M1 को अपनी तरफ खींचता है और M1 मास M2 को अपनी तरफ खींचता है। ऐसा दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है ताकि दोनों बिल्कुल पास पास आ सकें। और यह जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे हम बहुत डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो आई विल से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मासेस। एंड न्यूटन सेड कि दिस टू मासेस हैव सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट दैट डिस्टेंस इज आर। सो न्यूटन ने कहा कि द फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। न्यूटन ने कहा कि फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। और इन दोनों को क्लब करके न्यूटन ने एक इक्वेशन दी, दैट इक्वेशन इज फोर्स इज इक्वल्स टू जी टाइम्स M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। न्यूटन ने कहा कि दिस जी रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। यह जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। सिमिलरली, जैसा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि दो मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से चार्ज के केस में कूलम ने एक लॉ दिया जिसे हम जानते हैं कूलम्स लॉ के नाम से। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज कूलम्स लॉ। कूलम ने क्या कहा? कूलम सेड टू चार्जेस आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। सो कूलम सेड कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। नेचर मतलब, नेचर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चार्ज लेऊं जिसको हम नाम दे देते हैं, लेट से Q1, और एक दूसरा चार्ज लें जिसको हम नाम दे देते हैं Q2। अब देखिए, जैसे हम मास को रिप्रेजेंट करने के लिए M1 M2 यूज करते थे, उसी तरह से चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप Q1 Q2 Q3 इस तरह के लेटर्स को यूज कीजिए। बिकॉज ओवरऑल हम इलेक्ट्रिसिटी में क्यू से ही चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कूलम के अकॉर्डिंग जो रूल था, कूलम ने कहा कि अगर एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अ फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और फोर्स कैन बी रिपल्सिव। फोर्स या तो रिपल्सिव होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा। तो जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। Q2 मतलब Q2 कूलम्स ऑफ चार्ज, जैसे M1 kg या M1 ग्राम ऑफ मास, उसी तरह से Q1 Q2 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और ही सेड
इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट से स्मॉल आर. सो कूलम ने कहा कि दिस फोर्स इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो हम अगर दोनों लॉज में एक कॉमन चीज देखें, एक एनालॉजी देखें, तो यहां पे और यहां पे जो फोर्स है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो जैसा न्यूटन्स लॉ है वैसा ही यहाँ पे कूलम्स लॉ है. और जो यहाँ पे मास हमने लिया था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे चार्ज आ गया. ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. बस इतना सा फर्क है और कोई खास फर्क नहीं. दोनों लॉ बिल्कुल सेम है. यह न्यूटन का लॉ भी एक यूनिवर्सल लॉ है कि ऐसा होता ही होता है. और दिस कूलम्स लॉ इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल लॉ कि ऐसा तो होगा. यूनिवर्स में जहां पे भी दो चार्जेस रखे होंगे उनमें लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है. और दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है. ओके, सो अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को यूज करूं, दोनों रिलेशंस को यूज करके हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय द कूलम वेयर के इज नोन एज कूलम्स कॉन्स्टेंट. क्योंकि कूलम ने इसे डिस्कवर किया था तो कूलम ने अपने नाम पे इस कांस्टेंट को नाम दे दिया कि यह कूलम कांस्टेंट है. नाउ अब किस केस में यह फोर्स रिपल्सिव होगा, किस केस में यह फोर्स अट्रैक्टिव होगा, हम उसे समझते हैं. अगर इफ क्यू वन एंड क्यू टू हैव सेम साइन, सेम साइन का मतलब सेम साइन मीन्स Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है. तो हमने देखा था दो पॉजिटिव चार्ज जब आसपास आते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन. अगर Q1 नेगेटिव है तो Q2 भी नेगेटिव है. तो दोनों अगर चार्जेस नेगेटिव होते हैं तब क्या होता है? तब दोनों में अगेन रिपल्शन होता है. इट मीन्स इफ Q1 Q2 हैव सेम साइन द एफ विल बी रिपल्सिव. दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों फोर्सेस दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और इसका अपोजिट इफ क्यू वन एंड क्यू टू हैव अपोजिट साइन अगर दोनों के साइन बिल्कुल अपोजिट हैं इन दैट केस एफ विल बी अट्रैक्टिव. इस केस में एफ अट्रैक्टिव होगा जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूटन्स लॉ एंड कूलम लॉ, द एनालॉजी बिटवीन द चार्ज एंड मास. हम यह एनालॉजी, हम इस तरह से कंपैरिजन इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको चार्ज की एक फीलिंग आ जाए कि बेसिकली चार्ज क्या है. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज मास, दिस इज चार्ज. वी कैलकुलेट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब कि जो मास है वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल है. इंटीग्रल मल्टीपल मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 1 kg 1 kg से छोटा मास नहीं होता तो क्या होगा? तो सारे सारे मासेस 1 kg के मल्टीपल ही होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास में स्टूडेंट्स काउंट करो तो क्लास में स्टूडेंट्स कभी इस तरह से काउंट होते हैं क्या कि 1, 2, 3, 3.2, 4.2 या 3.8, 3.9, इस तरह से कभी क्लास में स्टूडेंट्स नहीं होते. तो हम कहते हैं कि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसका टोटल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम वैल्यू. वैल्यू क्या? 1 स्टूडेंट.
आप जब भी किसी क्लास में स्टूडेंट्स काउंट करते हो तो आधा स्टूडेंट या 1/4 स्टूडेंट काउंट नहीं करते, आप एक स्टूडेंट के बाद सीधे दो स्टूडेंट काउंट करते हो, बिकॉज एक से दो के बीच में कोई स्टूडेंट होता ही नहीं। आप जब एप्पल खरीदने जाते हैं बाजार में, तो एप्पल में क्या आप एक और एक आधा एप्पल लेके आते हैं? क्या आप 1+2 एप्पल ला सकते हैं? नो, आप जो एप्पल लाएंगे दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 एप्पल। उसे हम कहेंगे कि दैट एप्पल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 एप्पल। इट मीन्स या तो आप एक एप्पल लाएंगे, या दो लाएंगे, या तीन लाएंगे, या चार लाएंगे। आप 4.5 या 4.25 एप्पल नहीं खरीद सकते। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बाजार से हमने एप्पल परचेज किए दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एप्पल। उसी तरह से जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हैं तो आप हमेशा या तो एक बॉटल लेते हैं, या दो बॉटल, या तीन, या चार। आप 3.2 बॉटल तो नहीं लेते, आप 2.5 बॉटल तो नहीं लेते। ओके, नंबर ऑफ बॉटल्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी बात नहीं कर रहे। तो आप कभी भी एक बॉटल और एक आधी बॉटल लेके नहीं आते, आपको कोई बॉटल काट के नहीं दी जाती। सो वी विल से दैट बॉटल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 बॉटल। ओके, इसी तरह से अगर मास की बात करें तो मास किसी भी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। मैं चाहूं तो 1 kg मास बना सकता हूं, मैं चाहूं तो 1.2 kg मास भी बना सकता हूं, मैं चाहूं तो 0.7 kg मास भी बना सकता हूं, एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में हर तरह के मास को क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, बट चार्ज के लिए एक खास बात है, दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब चार्ज किसी एक सिंगल वैल्यू का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, हमने क्या कहा, जब एक बॉडी चार्ज होती है, किसी बॉडी के पास चार्ज आता है, तो चार्ज कैसे आया? चार्ज आया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, या तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, या उसने इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट को दे दिए। अब अगर मैं सिल्क और ग्लास रॉड के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करूं, तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि सिल्क से निकल के इलेक्ट्रॉन, जो ग्लास रॉड से निकल के इलेक्ट्रॉन जब सिल्क में गए, तो ग्लास रॉड से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकले और सिल्क में 5.5 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, या ग्लास रॉड से 4.5 इलेक्ट्रॉन निकले और सिल्क में 4.5 इलेक्ट्रॉन पहुंचे? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को आप काट नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन दो टुकड़ों में नहीं कटेगा। ओके, इसीलिए क्या होगा, जब ग्लास रॉड से सिल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, चार, पांच, छह, इस तरह से इंटीजर वैल्यू में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। जब आप एप्पल खरीदेंगे तो इंटीजर वैल्यू में एप्पल खरीदेंगे, आप एक एप्पल और एक हाफ एप्पल नहीं खरीद सकते, आपको शॉपकीपर ऐसा नहीं करने देगा। तो उसी तरह से जब चार्ज ट्रांसफर होता है, किसी बॉडी के पास चार्ज आता है, दैट चार्ज विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और साइंटिफिकली ये प्रूफ किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आप पूछेंगे ये चार्ज इस पे कहाँ से आया? सो दिस इज अ नेचुरली अकरिंग एटॉमिक पार्टिकल, इट्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, सो द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। सो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का मतलब क्या है, हम इसे समझते हैं। जब एक ग्लास रॉड और एक सिल्क को मैंने रगड़ा, तो क्या हुआ, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क में चले गए। अगर इन दोनों के बीच में
जो फिनामिना हुआ, जो रबिंग का फिनामिना हुआ, लेट अस से ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वह एक इलेक्ट्रॉन सिल्क के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो हम एक ऐसा कहेंगे कि सिल्क अटेन्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सिल्क के पास इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में गया होगा, और क्योंकि अब ग्लास में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। सो आई विल से कि उस ग्लास रॉड में +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स का चार्ज अटेन हो गया, और सिल्क में क्या हुआ, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स का चार्ज अट्रैक्ट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं कि Q दैट इज द चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और चार्ज दैट कैन बी फ्लो इज इक्वल्स टू N टाइम्स E, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड Q इज द टोटल चार्ज एंड Q इज वॉट, Q इज द टोटल चार्ज। सो इफ वी से कि दिस इज अ ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क, अगर इस ग्लास रॉड से लेट से चार इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या करा, इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और चार इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल के इस सिल्क में चले गए, तब क्या हो गया, इसके पास +4 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आ गया और इसके पास -4 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आ गया। देखिए दिस इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹। इसका मतलब दिस ग्लास रॉड हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹। मतलब इस ग्लास रॉड के पास जो चार्ज आया, दैट चार्ज इज इक्वल्स टू 4 × 1.6, 4 × 16 × 4 = 64। सो टोटल इसके पास चार्ज आएगा +6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, और इस सिल्क रॉड, इस सिल्क के कपड़े के पास जो चार्ज आया, दैट विल बी इक्वल्स टू −6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे सो यू विल फाइंड कि दिस टोटल इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं दैट चार्ज इज कंजर्व। सो दिस इज व्हाट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द मास एंड द चार्ज। नाउ वी विल स्टडी द चार्ज इन मोर डिटेल, फर्स्ट इसे नोट कर लें।